नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम दो ट्रैक्टर लेके आए हैं आपके सामने, जो कि जॉन डियर 5210 गियर प्रो है और न्यू लैंड 3330 जो कि 55 HP का ट्रैक्टर है और 5210 10 HP का ट्रैक्टर है। दोनों हम आपको दिखाएंगे, रिपर में उनकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे दोनों की और उनकी टाइमिंग दिखाएंगे कि वो दोनों ट्रैक्टर कितने टाइम में एक बूस्ट की ट्रॉली बना देते हैं। तो पहले हम 5210 की बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी शुरू कर दिया जी रिपर को, आप देख सकते हो, और टाइमर लगा दिया हमने। ये देखिए टाइमर, ट्रैक्टर बिल्कुल साइलेंट है, ट्रैक्टर की तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है, सिर्फ रिपर आवाज कर रहा है। ये जैसे आप देख सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं, ये आपके सामने है। ट्रैक्टर बिल्कुल भी क्लच नहीं मांग रहा कहीं पे भी। ट्रॉली अभी पीछे से ही भरी है, देखिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो अब टाइम हो गया है 17 मिनट, ये आपके सामने है देखिए, और ट्रॉली अभी लगभग आधी हो गई है, आधी ट्रॉली हो गई है 17 मिनट में, आधी से थोड़ी ज़्यादा है देखिए। तो साथियों जैसे आप ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देख सकते हो, ट्रैक्टर बिल्कुल भी धुआं नहीं दिखा रहा, ये देखिए आप, कोई आवाज नहीं है ट्रैक्टर की बिल्कुल भी और कोई धुआं नहीं दिखा रहा, बिल्कुल आराम से चल रहा है। 10 HP का ट्रैक्टर है सिर्फ, और ट्रॉली भी लगभग भर ही चुकी है, और अभी हुए हैं 24 मिनट आपके सामने हैं देखिए, देख सकते हो। अब एक ही तीसरे में चला रहे हैं, एक ही दूसरे में भी चलाते हैं, एक ही तीसरे में भी चलाते हैं, लान के हिसाब से उसी गियर में चलाते हैं फिर, क्योंकि गियर प्रो ABCD 4 उसमें आता है, और अब उन्होंने एक ही तीसरे में लगाया हुआ है, स्पीड बढ़ चुकी है ट्रैक्टर की, और ट्रॉली भी लगभग भर ही चुकी है, लेकिन जब तक मतलब किसान भाई रोकते नहीं, अब गियर चेंज कर लिया, तो किसान साथियों ट्राली भर चुकी है और ये आपके सामने मैं इसको रखूंगा, देख लो 5 मिनट में 5210 ने ट्रॉली को भर दिया, ये आपके सामने है, ये देखिए।
आप देख सकते हो ट्रॉली बिल्कुल फुल है। तो अब आपके सामने है निहोलैंड 3630 स्पेशल एडिशन जो कि 55 एचपी का ट्रैक्टर है जी, और रोटरी पंप है ये, और इसमें अभी आप देख सकते हो डीजल भरने के लिए आए हैं किसान भाई। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या टाइमिंग रहती है इसकी रिपर में ट्रॉली की, 52 की आपने देख ही ली है। तो साथियों जैसे आप देख सकते हो ट्रॉली बिल्कुल खाली है, और अब इस खेत में स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा लान ज़्यादा है, उसमें थोड़ा हल्का था, इसलिए इन्होंने बोला कि इस खेत में ट्राई करेंगे और देखते हैं कितने मिनट में ये बूस की ट्रॉली बनाता है। निहोलैंड 3630 स्पेशल एडिशन रोटरी पंप 55 एचपी। तो जैसे आप देख सकते हो स्टार्ट कर दिया है, और ये हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो टाइमर स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर रिपर भी स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। जगजीत का रिपर है, आवाज नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे आप देख सकते हो 18 मिनट हो गए हैं और ट्रॉली आपके सामने है, ये देखिए लगभग आधी तो हो ही चुकी है, आधी ट्रॉली हो चुकी है जी। और जगजीत के रिपर का साउंड सुनिए, काफी जबरदस्त साउंड है। जैसे किसान साथियों आप सफाई देख सकते हो रिपर की, काफी सफाई से भूस बनाता है ये रिपर जगजीत का, कुछ ड्राइवर के ऊपर भी है, लेकिन मेन जो सफाई का महत्व है वो रिपर से भी बनता है। और आप देख सकते हो सफाई, तो साथियों ट्रॉली लगभग भर ही चुकी है, लेकिन जब तक किसान भाई नहीं रोकते तब तक हम टाइमर भी ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि कब ट्रॉली भरती है, और तभी हम टाइमर ऑफ कर देंगे आपके सामने। ये देख सकते हो आप, ये टाइम आपके सामने है, ये देखिए। और ट्रॉली बिल्कुल फुल हो चुकी है लगभग, ये देख सकते हो आप, ट्रैक्टर रुक गया है और हमने इसको स्टॉप कर दिया जी। 30 मिनट में इन्होंने
ट्राली भरती है निहोलैंड स्पेशल एडिशन रोटरी पंप 55 HP। ये आप देख सकते हो ट्राली बिल्कुल फुल है ऊपर तक, चादर भी ऊपर उठ चुकी है, इतना फुल है ट्राली में, ये देखिए। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो भाई 52 यूज कर रहा है या निहोलैंड का 36 यूज कर रहा है उनके रिपर में ट्रॉली की क्या टाइमिंग है वो जरूर बताएं। और हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपको कि हम किसी भी कंपनी के फ़ैन नहीं है या किसी ट्रैक्टर के फ़ैन नहीं है। जो भी था वो टाइमर था, टाइमर में हमने आपको दोनों ट्रैक्टर की दिखाई, बीच में हमने कोई टाइमर नहीं रोका, कोई कुछ भी, कोई मतलब हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, जो था वो हमने आपको दिखाया है। तो धन्यवाद।